भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रियंका वाड्रा का हिमाचल आगमन पर अभिनंदन। उन्होंने कहा कि जनता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में जब प्रियंका वाड्रा हिमाचल आई थी तो लगातार उन्होंने हिमाचल की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए प्रतिमा देने की गारंटी दी थी और कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी बहनों को पहले कैबिनेट में यह तोहफा और सम्मान दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज प्रियंका वाड्रा एवं कांग्रेस के नेताओं पर बहनों के प्रति 13500 का कर्ज चढ़ गया है। पहली कैबिनेट में तो आपने 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया था, पर अनेकों कैबिनेट हो गई और यह वादा पूरा नहीं हुआ। आज आप हिमाचल आए हैं और हिमाचल का युवा और बहने आपके उत्तर के इंतजार में बैठे हैं। आपने उस समय चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य और झूठ बोला जो आज भी पूरा नहीं हो पाया। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का हिमाचल आगमन हुआ, हम उनका अभिनंदन करते हैं। बड़ा चिंता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में श्रीमती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस बात को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक बहन को, 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी करते हैं। और ये लगभग 22.5 लाख बहने आज 9 महीने हो गए हैं उस गारंटी की इंतजार कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के अंदर ही बहनों को यह सम्मान देंगे, यह तोहफा देंगे। आज लगभग 13500 रुपया प्रति बहन का कर्ज और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर चढ़ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में देंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। अब वो पहली कैबिनेट तो का अनेक अनेक कैबिनेट चली गई। आज चुनाव के बाद आपका आगमन हुआ है तो हिमाचल के बेरोजगार, हिमाचल की बहनें इस बात की इंतजार में बैठे हैं कि आपका कोई उत्तर आएगा। आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला, झूठ बोला जो आज पूरा नहीं हुआ है। और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी कहें वो सत्य कहें, सत्य से परे ना कहें। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।